एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं। जैसे इंसान का जन्म होता है, पहले वो इन्फेंट के फॉर्म में होता है, फिर वो टॉडलर होता है, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, तो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है और एक समय आता है कि मनुष्य अधेड़ अवस्था में आ जाता है, 50s की सीरीज में आ गया। तो कितना ब्यूटीफुल घटनाक्रम है कि मानव अपने स्वरूप को धीरे धीरे स्वीकार करता चलता है, ग्रेजुअली स्वीकार करता चला जाता है। अच्छा, पहले बच्चा था, अब थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया, अब किशोर अवस्था में आ गया, अब वो एडल्ट हो गया, अब वो थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर वो प्रौढ़ हो गया, फिर वो धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, फिर एक समय आ रहा है कि वो बूढ़ा होने के बाद मृत्यु की तरफ जाने लग रहा है। तो हाँ, मानव धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है अपनी आयु को, है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक इसी प्रकार से जब हम इस ध्यान की यात्रा पे चलते हैं, अगर हम जागरूक हैं, तो जीवन की समस्त विपरीतताओं को स्वीकार करते चलते हैं, तो फिर नीचे गिरते नहीं और लिप्त भी नहीं होते, लिप्त भी नहीं होते और गिरते भी नहीं है, क्योंकि गिरेगा वही जो लिप्त हो जाएगा। तो बात सही है, लेकिन कई बार अज्ञानतावश हम लिप्त हो जाते हैं। ना, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अज्ञानता के कारण लिप्त होता हो, जानबूझ के लिप्त होता है इंसान। चैलेंज कर रहा हूं मैं इस बात का। चलिए, कोई उदाहरण बता दीजिए, कोई उदाहरण दे दीजिए, कोई अज्ञानता के कारण लिप्त हुआ है तो बता दीजिए क्या उदाहरण है। उदाहरण जैसे आप नहीं पता चला हम लिप्त हैं नहीं, और कैसे नहीं हमारे पता लगा? कैसे नहीं पता लगा? हमें ये तो पता है ना, ये संसार की चीज है, हमें बहुत अच्छी लग रही है, तो 100% लिप्त हो गए हम उसमें। ये तो पता बात है सही ना, है। हाँ ये तो पता है ना, ये चीज संसार की है, ये ईश्वरीय नहीं है, तो हमने तो चुना ही है जानबूझ के। संसार का कोई भी मनुष्य अज्ञानता में लिप्त नहीं होता है, जानबूझ कर लेकिन लिप्त कई होता बार है, ऐसे लोग जानबूझ के लिप्त होता है, पूरे होश हवास में लिप्त होता है। जानबूझ के तो जैसे यानी माइंड भी अलर्ट कर रहा है, बता भी रहा है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्या है, वो समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया कि वो क्या था। जैसे कि एक मदिरा पान करने वाला मानव मदिरा पीने के बारे में जानता है कि इसे पीने से नुकसान होगा ही होगा, लेकिन फिर भी वो पीता है, तो हम ये नहीं कह सकते वो अज्ञानता में पीता नहीं, वो तो केस ही दूसरा है। ना, ये भी वही है, लिप्तता इज जस्ट लाइक इंटॉक्सिकेशन, अटैचमेंट इज जस्ट लाइक इंटॉक्सिकेशन, लाइक लिकर, लाइक ड्रग्स, बिल्कुल वही है। पता नहीं अटैचमेंट था या सहानुभूति थी या रिगार्ड था, बस ये समझ में नहीं आया, फिर हमने माँ के श्री चरणों में छोड़ दिया। एक तो हमें पहचान ये बता रहा कमी हूं, रही कि हमें लिप्तता की और सहानुभूति की एक पहचान बताता हूं। लिप्तता उसे कहते हैं जिसके बिना रहा ना जाए, वो लिप्तता की कैटेगरी में आ जाता है। सहानुभूति हृदय का एक अभिव्यक्ति है, एक अनुभूति है, एक जीवात्मा की दूसरी जीवात्मा से जो एक एक सहानुभूति कहते हैं उसे, हम संबंध। एक उसके वेलफेयर के लिए, दूसरी जीवात्मा के वेलफेयर के लिए जो सरोकार होता है उसे हम सहानुभूति कहते हैं। तो सहानुभूति में ऐसा नहीं होता कि हमें ऐसा लग रहा है हमें सहानुभूति बार बार करनी पड़ेगी, नहीं होता, लेकिन लिप्तता में होता है।
जिस चीज को करे बगैर रहा ना जाए वो लिप्तता की श्रेणी में आती है। तो ये बहुत आसान है समझना, लिप्तता है क्या? जो मिसिंग फैक्टर है वो अटैचमेंट के कारण है, जो जॉयस फैक्टर है वो डिटैचमेंट के कारण है। जॉय और मिसिंग दो अलग अलग विपरीत फैक्टर हैं। यदि आप जॉयस हो तो आप मिसिंग, आपके अंदर से मिस है। अगर आप मिसिंग फील कर रहे हो तो जॉय गायब है। तो मिसिंग फैक्टर आता है अटैचमेंट के कारण और जॉय आता है डिटैचमेंट के कारण। तो आसान है समझना ये। अब समझ में आ गया, पहले नहीं आ रहा ये 2-3 महीने माँ ने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से। आगे अटैचमेंट, ये मतलब अटैचमेंट प्रोड्यूसेस, अटैचमेंट जो है ना क्या चीज उत्पन्न करता है? मिसिंग फैक्टर। और वो मिसिंग फैक्टर का भी ना पता चले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और मिसिंग फैक्टर क्या पैदा करता है? कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग क्या होती है? हैबिट। तो अगर हमारे अंदर मिसिंग फैक्टर है तो हम अटैच हैं। चाहे वो काल हो, चाहे वो स्थिति हो, परिस्थिति हो, हारी हो, बीमारी हो, सुख हो, अटैचमेंट ही है अगर मिसिंग फैक्टर है। तो ये सरल चा से हम अपना आंकलन कर सकते हैं कि हम अटैच हैं कि डिटैच हैं, वेरी इजीली। नहीं, अब तो समझ में आ गया, जब नहीं समझ में आ रहा था अब आ गया। अच्छे अब तो जो अंदर तूफान मचा है क्योंकि तो निकल के बाहर आया है, माँ ने खूब अच्छे से समझाया है। अब आपको एक चीज बता दूं, प्यारे से द्वारा किसी हमारे नजदीकी की मृत्यु हो जाती है और हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, महीनों सालों निकल जाते हैं दुखी होते 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 होते, और लोगों से हम ये कह रहे होते हैं हम उसे बहुत प्यार करते हैं, हम उसे बहुत प्यार करते थे, हम कह तो रहे हैं हम उसे प्रेम करते थे, पर हम मिस कर रहे हैं। तो प्रेम जो होता है वो मिस कभी नहीं करता, याद रखिएगा। मोह मिस करता है, मोह जो होता है वो मिसिंग फैक्टर लाता है। तो जिसे लोग कहते हैं हम उसे प्रेम करते थे, हमें बहुत याद आती है, वो बेसिकली मोह था, अटैचमेंट था। और जो प्रेम होता है ना, प्रेम प्रेम क्या कहेगा? अरे अरे, वो सोल, शिमाता जी, उस सोल को अपने चरणों में रखना, और हम प्रार्थना करते हैं वो सोल जहां भी रहे खुश रहे, प्रसन्न रहे, ये है प्रेम। वो रोना धोना नहीं मचाएगा, हाय मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं कैसे जीऊं, अब ये और वो पलाना पलाना पलाना। अब इस बातों को सुन के बहुत से सहजी कहेंगे, अजी आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ इसलिए बोल पा रहे हो ऐसा, जिसके साथ होता है वो नहीं बोल सकता ऐसा। तो मैं उसके लिए ये कहना चाहता हूं, भाई मेरे, यही तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट का खेल समझ में आना चाहिए। अटैचमेंट और डिटैचमेंट परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, हमारे नजरिए पर आधारित है, हमारी हमारी चेतना पर आधारित है। परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है इसका, हमारे स्वभाव से संबंध है, हमारी चेतना के स्तर से संबंध है इस चीज का। थोड़ी और गहरी हो गई बात, हाँ? ये थोड़ी और गहरी बात हो गई। हाँ, लोग हर समय ना एक्सक्यूजेस देंगे, और नहीं, वो ऐसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था, ये परिस्थिति, नहीं, वो एक्सक्यूजेस हैं, दे आर प्योर एक्सक्यूजेस। यू आर गिविंग सच काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस बिकॉज ऑफ सीवियर अटैचमेंट। अगर जागरूक होते, सजग होते, तो कहते नहीं,
जो होना था हो गया, भगवान अच्छा था, जो भी हुआ अच्छा था, आप जो करते हो कल्याणकारी करते हो, ये जागरूकता है। एक्सक्यूजेस नहीं देता इंसान, ये एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज। अब बहुत से लोग मेरे से फोन पे बातें करेंगे, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, अक्सर आते रहते हैं कहीं ना कहीं से, फोन मैसेज आते रहते हैं, पूरा मैसेंजर पे यही सब चीजें भरी हुई होती हैं मेरे। अब मुझे ये वाली चीजें बताने में बड़ा कष्ट लगता है यार, क्या प्रॉब्लम्स के चक्कर में उलझो, छोड़ो इन सब बातों को, प्रॉब्लम होती रहेंगी, अपने अपने पुरुषार्थ से जो प्रॉब्लम दूर कर सकते हो कर लो, बाकी छोड़ दो। पुरुषार्थ से यानी कि अपने प्रयासों से जो कर सकते हो कर लो, लेकिन अब ये क्या भगवान प्रॉब्लम दूर कर दो, भगवान जी अब ये दूर कर दो और कैसे करें, कोई सहज का तरीका बता दो, कोई टेक्निक बता दो, मेरे को तो बोरियत चढ़ने लगती है इन बातों से कि भाई अभी ये लोग यहीं है, अब इन लोगों के लिए मैं कुछ बताने लायक हूं नहीं, मेरा अंतःकरण इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है, इन चीजों के लिए मतलब इस स्तर पर है ही नहीं ना। मुझे लगता है अभी ये कितने साल और बर्बाद करेंगे इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में, मुझको ये लगने लगता है, और मुझे थोड़ी चिंता भी लगती है उन लोगों की, अभी समय तो है नहीं, और ये 10-15 साल तो अभी इन्हीं चीजों में निकाल देने वाले हैं, फिर इनका होगा क्या, तो मुझे चिंता लगती है इस चीज की। फिर मैं उन्हें सीधा सीधा लिख देता हूं, भाई देखो श्री माता जी ने रास्ता दिया है आत्मा और चेतना के कल्याण का, आप इस पे फोकस करो, ये तो प्रॉब्लम आती जाती रहेंगी, इनको छोड़ दो। नहीं समझ में आता उन्हें, क्योंकि इस बुरी तरह अटैच है, प्रॉब्लम में अटैच हो गए हैं, समझ नहीं आ रही है बात, समझना चाह भी नहीं रहे हैं, सारी शक्ति इसी चीज में लगा दी है भी किस तरीके से परिस्थितियां ठीक कर लें हम, सारी शक्ति सारी ऊर्जा इसी में लगा रखी है, और माँ से भी प्रार्थना कर रखी है, और बंधन संधन भी सब लगवा लिए, और भी जो इधर उधर से हो सकता है वो भी कर डाला, सब कुछ कर डाला, बस इसी चक्कर में लगे हुए हैं कैसे तरह से ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए हमारी, समय बर्बाद होता जाएगा, कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। हाँ आप आध्यात्मिक सहारा ना लेकर आप बाहर सारे जो संसार में प्रचलित है उनका इस्तेमाल करो, आध्यात्मिक सहारा मत लो, तो उससे क्या होगा कि आपका कीमती समय जो ध्यान में रहने वाला समय था वो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यानस्थ हो, आप ध्यानस्थ ही हर चीज को देख रहे हो, तो आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है, और अपना पुरुषार्थ भी कर रहे हो, प्रयास भी कर रहे हो जो बाहरी स्तर पे हो सकता था, पुरुषार्थ काम कर जाता है। इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, सारे ध्यान से सुन लें, जो YouTube पे इसे देख रहे हैं ध्यान से इस बात को सुन लें, मनुष्य का पुरुषार्थ अक्सर कामयाब हो जाता है, और संसारिक कल्याण के लिए परमात्मा से की गई प्रार्थनाएं ज्यादातर फेल हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए बैठे हैं, संसारिक कल्याण करने के लिए नहीं है वो, संसारिक कल्याण करने के लिए तो उन्होंने हमें पुरुषार्थ का रास्ता दिया, लेकिन ध्यान से जुड़ने वाले लोग अपने आप को तुरंत ये मान लेते हैं कि बस अब तो श्रीमाता से हम जुड़ गए हैं, वो हमारा हर हाल में कल्याण कर ही देंगी संसारिक, अब ये बहुत बड़ा भ्रम है, माँ कल्याण करेंगी, कर रही हैं, करती हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे, एक क्वेश्चन और जी उसे मतलब जैसे किसी की आवाज से भी सम्मोहित कर सकते हैं, बिल्कुल कर आवाज सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और आवाज सुन के ही हमारा जैसे माइंड बंद हो जाए और कुछ समझ में ही ना आए। अगर किसी की आवाज सुन के माइंड बंद हो रहा है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, किसी की आवाज सुन के माइंड एक्टिव हो रहा है तो ये मामला गड़बड़ है माइंड तो बंद ही हो जाना चाहिए, हृदय चलना चाहिए, हृदय, आप मुझे लगता है दिमाग को माइंड कह रहे हैं आप शायद, हाँ दिमाग हाँ दिमाग और माइंड में अंतर है ना
दिमाग और माइंड दो अलग अलग चीजें अभी हैं। तक कुछ अच्छा कैसे? माइंड है संस्कारों का कोष, स्मृतियों का कोष, और दिमाग है एक मशीनरी। दिमाग का ही हिस्सा माइंड है, पर माइंड मस्तिष्क नहीं है। मस्तिष्क और माइंड अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी की आवाज सुन के आपका माइंड काम करना बंद कर दे तो सर्वोत्तम चीज है, यानी कि उसके भीतर से ऊर्जा बह रही है जो आपको ध्यान में ले जा रही है। आपका माइंड इनएक्टिव हो गया। और इसके विपरीत किसी की बात सुनकर आपका माइंड इतना चल जाए और दिमाग बंद हो जाए तो खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी, यानी कि यहां पे वॉइस मैसमरिज्म शुरू हो गया। समझ रही हूँ मैं तो, ये माइंड और चेतन, माइंड और मस्तिष्क में ही अंतर समझ रही हूँ। जैसे कि हमारे महानतम, भारत के महानतम मानव की वाणी सुनकर बहुत से लोगों का, क्या ढेर सारे लोगों का दिमाग बंद हो चुका है, ढक्कन लगा लिया है दिमाग पे उन्होंने। विवेकशीलता खत्म हो गई है, व्यवहारिकता जीरो हो चुकी है, माइंड एक्टिव हो गया उनका, राक्षस जाग गए उनके माइंड में, और वो हाँ निरंतर ठीक मानवता का अहित करने पड़े हैं लगातार। अभी आपने जो बोला यही हुआ, मस्तिष्क बंद हो गया, मस्तिष्क बंद सोचने होना की बहुत जगह। हानिकारक है। मस्तिष्क बंद अगर हो जाए तो आपकी विवेकशीलता शून्य हो जाती है, डिस्क्रिशन पावर खत्म हो हाँ जाती है, समझ खत्म हो जाती है, विजडम खत्म हो जाती है। ये बहुत हानिकारक है। हाँ जी अब जैसे शिमाता जी की वाणी सुनते ही हमारा माइंड बंद हो जाता है, कभी भी अजमा लेना, माइंड बंद हो जाता है, मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है ग्रहण करने के लिए उनके सिस्टम, उनकी चीजों को, है ना? अभी ये बारीकी चीजें सीखनी है इतनी सुनने के लिए। तो नहीं यही हुआ, अब सब समझ में आया। हमारे हमारे टीवी पर बहुत सारे वाचक आते हैं, वाचक जो कथाएं सुनाते हैं, कुछ अच्छा कुछ करते हैं, तो बहुत सारे वाचकों की वाणी को सुनकर मस्तिष्क बंद हो जाता है, माइंड एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, भावुक होकर रोना शुरू कर देंगे। कृष्ण जी की कथा सुना रहे हैं कोई और रोने वाला सीन आ गया तो सारे रो रहे होंगे, सुबक रहे होंगे सारे, माइंड एक्टिव हो गया उनका। मस्तिष्क बंद हो गया। वाचक श्रोताओं को रुला मारते हैं, कभी राम जी का वनवास के टाइम पे रुला डालेंगे, तो कभी भरत मिलन पे रुला डालेंगे, तो यहां पे मस्तिष्क बंद हो गया है, माइंड एक्टिव हो गया है। थोड़ा फर्क डिफरेंस समझ में आया? हाँ जी आ गया, काफी कुछ आ गया, थोड़ा और समझ रहा है। और एक तीसरा वर्ग है वाणी का, तीसरा वर्ग ऐसा है वाणी का कि एक ऐसी वॉयस से माइंड भी बंद हो जाता है, ब्रेन भी बंद हो जाता है, हार्ट खुल जाता है। और हार्ट जो है सत्य को ग्रहण करता है और सत्य को प्रेषित करता है। एक तीसरे प्रकार की वाणी भी होती है, वो भी हमारे साथ घटित होता है अक्सर। बहुत अच्छा काम किया और ये आपने। घटनाक्रम अधिकतर श्रीमाता जी की वाणी के साथ होता है। आपकी भी है कुछ कुछ मेरी तो ऐसा कहीं भी है नहीं, मेरी तो कहीं स्टैंड नहीं करती, मैं तो श्रीमाता जी की लेकिन बात बता आपकी रहा हूं, आवाज से भी श्रीमाता जी की बात बता रहा हूं मैं तो। श्रीमाता जी की वाणी में हृदय खुलता है, आप कभी भी अजमा के देखना, हृदय में ऊर्जा आएगी, मस्तिष्क भी एक्साइट हो जाएगा, माइंड भी एक्साइट हो जाएगा, केवल हृदय हृदय रह जाएगा। नहीं, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मतलब इस सेशन के दौरान जैसा आपकी आवाज सुनी, जब मेरा सेंटर हार्ट खुला है, उससे पहले मुझे सेंटर हार्ट की कोई अनुभूति नहीं थी।
ज्ञान भी नहीं था, मैं तो अपना अनुभव बता रही देखिए, आपका सेंट्रल हार्ट तो शिमाता ही ने हूँ। खुला और है। जब ये सेंट्रल हार्ट खुला था, खुला तो माने ही है, फिर जब समझ में आने लगा है सारा माता क्या है, जब समझ में आने लगा है, उससे पहले सुन लेते थे, समझ लेते थे, लेकिन जैसे कहते हैं कुछ चेतना में नहीं जाता था, बस ऊपरी तौर पर ही सुन लिया, हाँ ये है सब कुछ है, अब कहता है। वो वाणी मैसमरिज्म के कैटेगरी में आती है, वशीकरण की कैटेगरी में आती है, जिसको सुनकर मानव भेड़ जैसा व्यवहार करने लगे तो समझ लेना मैसमराइज हो गए हैं मानव, और वो मैसमराइज कर रही है वाणी। भाई सूदिंग तो हृदय के कारण लगती है ना, हृदय अगर खुला है तभी सूदिंग आएगा इफेक्ट। सूदिंग इफेक्ट तो आता ही सेंट्रल हार्ट से, हार्ट से है, और कोई तरीका ही नहीं है सूदिंग होने का। सूदिंग इज ए अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर हार्ट, इट रिप्रेजेंट हार्ट। लाइकिंग डिसलाइकिंग रिप्रेजेंट माइंड, एंड कंपैरिजन रिप्रेजेंट ब्रेन। दो चीजों में कंपेयर करके बता रहा है ब्रेन। वो ब्रेन कभी भी अच्छा या बुरा नहीं बोलता, वो कहता है ये चीज ऐसी है इसका ये परिणाम है, ये चीज ऐसी है इसका ये परिणाम है। ये बुराई भलाई नहीं करता, बुराई भलाई का ठेका तो माइंड ने ले रखा है। जितना भी ठेका है बुराई भलाई का, ये सब माइंड के पास है। अब जरा सोच लीजिए, जो सहजी बुराई भलाई में लगे रहते हैं उनका क्या चीज सक्रिय हो रहा है। और जिसका माइंड सक्रिय हो गया वो अधोगति की ओर चल देता है, यानी कि जमीन तक पहुंच के ही मानेगा, वो बीच में रुकने का नहीं है। सातवें माले से गिरा हुआ पत्थर है, जमीन पे ही रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकने का। हमने तो माने बचा लिया है। कोई बोल रहा है? आयशा, श्री माता जी, श्री जय श्री माता माता जी। जी, हाँ बोलो बोलो। मैं बोल रही थी कि तो क्या जिसके जो माइंड से काम करते हैं और इस तरह की थॉट्स रखते हैं तो उसके दिमाग बहुत होते हैं क्या? दिमाग नहीं होते हैं, दिमाग होते तो माइंड ना होता। माइंड का प्रभाव ज्यादा होने से हृदय भी बंद हो गया है और दिमाग भी बंद हो गया है। उसके माइंड ज्यादा ही माइंड इज डोमिनेटिंग ब्रेन एंड हार्ट। हानिकारक चीज हो गई है, माइंड ज्यादा एक्टिव हो गया। समझ में आया आयशा? और और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं जागी हुई हूँ। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन की जागी हो आज। मुझे बहुत नींद आती है और मैं कोशिश करती हूँ जागने की बट हो नहीं पाता है, तो मैंने सोचा आज जाऊंगी। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह दूंगा, नहीं, ये वाली नींद उस नींद की तरफ ले जाएगी कि चेतना जाग ही नहीं पाएगी कभी भी। हमारा हृदय कहता है जागने है जागने है, और जब सेशन खत्म हो जाते हैं और कन्वर्सेशन के जब वक्त आता है तो धीरे 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 नींद अपनी आगोश मुझे लेने लगती उसका कारण है, और फिर क्योंकि तुम्हारा माइंड कंडीशनड है, तुम्हारे माइंड के अंदर ये भरा हुआ है कि ध्यान बढ़िया चीज होती है,
और ध्यान इम्पोर्टेंट है, बाकी सब बेकार है, कंडीशनिंग है। और जबकि वास्तविकता नहीं क्या ऐसा है, नहीं है। जबकि वास्तविकता क्या है कि कन्वर्सेशन और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। माइंड सेट है ये, इट इज बिकॉज ऑफ योर माइंड, नॉट बिकॉज ऑफ योर ब्रेन। अगर तुम अपने माइंड को, अगर अपने ब्रेन को ये कमांड दो कि मेडिटेशन और कन्वर्सेशन दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, फिर नींद नहीं आएगी। ये ना शरीर की समस्या है, ना टाइम की समस्या है, ये केवल कंडीशनिंग की समस्या है। हमारे बहुत सारे सहजी बस ध्यान का ही सेशन अटेंड करते हैं, बाकी नहीं करते, और ये सोचते हैं क्या फायदा, टाइम खराब होना है इसमें, तो बातचीत करने से क्या होगा, ध्यान से सब कुछ होगा। और असलियत क्या बिल्कुल मैं है, ये थोड़ा असलियत क्या है कि ध्यान आत्मसात ही तभी हो पाता है जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, समाधान ही तभी आ पाता है, कन्वर्सेशन से ही आता है। बट ऐसे थॉट्स नहीं है मेरे अंदर कि टाइम वेस्ट होते हैं या कुछ ऐसे, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें कन्वर्सेशन में मिलते हैं। जरूरी नहीं कि हम प्रश्न करें, कोई अदर सहजी भी प्रश्न करते हैं और उनकी भी जो अंदर प्रश्न चलते हैं और आप जवाब देते हैं, तो उससे भी हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। अच्छा एक बात बताओ आयशा, मान लीजिए हमें अगले दिन सुबह सुबह बड़े सुंदर स्थान पर घूमने जाना है, पहाड़ों पे जाना है अगले दिन सुबह सुबह उठ के, तो हम 3 बजे भी, अब हम रात को 12 बजे सोते हैं, 3 बजे भी आंख खुल जाती है फटाफट, कोई नींद नहीं आती उस वक्त, और हम सारे काम कर कर आगे 5 बजे 5:30 बजे निकल भी जाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी है हमारे लिए वो, और हमारे को मजा आने वाला है उसमें, हमारी रुचि है कि हाँ बहुत मजा आएगा, राइट? तो जिस चीज में मजा आता है उसमें नींद नहीं आती है। यानी कि जिस चीज की प्रायोरिटी हमारे जीवन में होगी तो नींद कभी नहीं आएगी। अच्छा कितना घंटे सोती हो तुम डेली, रूटीन लाइफ में कितने घंटे सोती हो? मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ। नहीं, सोती कितने बजे हो रात को? रात को वैसे 10 o'clock तक सो जाती हूँ। वैसे मैं 9 बजे ही सो जाती थी, पर धीरे धीरे 1 घंटा 10 o'clock तक सो यानी कि जाती हूँ। टोटल वैसे टाइम हाँ तुम्हारा 7.5 घंटे की नींद है तुम्हारी, रूटीन में 7.5-7 घंटे नींद लेती हो रूटीन में। कभी कभी उसे नहीं, उसे कम भी होता है, थोड़ी सी काम अधिक होते कि हैं तो मैं कितना कम कम हो सो जाएगा, लेती हूँ। कितना कम हो जाएगा, 1/2 घंटा 1 घंटा 6.5 घंटा, राइट? यस अच्छा अब मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूं, पिछले मंडे से, ये जो मंडे है और अब तक मैं 3 घंटे 4 घंटे 7 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 8 घंटे फिर 4 घंटे, 8 4 कितने होते हैं, 12 घंटे, और उसके बाद 4.5 घंटे 16 घंटे, यानी कि अब तक सोमवार से अब तक मैं टोटल 16.5-17 घंटे सोया हूँ। जो तुम्हारे इतने जो नींद तुम्हारी 2 दिन में पूरी होती है, उसे अभी तक आज ये 5वां दिन है शायद, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि जी, 6ठा दिन, आज सैटरडे है, तो 16-17 घंटे टोटल 6 दिन में सोया हूं मैं। इसका मतलब कि मुझे कम सोना चाहिए। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी है अगर कोई आपके जीवन में, तो आपको नींद की परवाह नहीं होती और आपका शरीर बिना नींद के भी चल जाता है, क्योंकि क्योंकि जब हम ध्यानस्थ होते हैं और हम अपनी उस अवस्था में आते हैं जिसे हम कहते हैं आत्मानुभूति, हम एक आत्मा वाली अवस्था में आने लगते हैं, तो हमारे लिए शारीरिक
जो आराम है वो महत्वहीन हो जाते हैं, और आत्मा की ऊर्जा हमको इतनी सक्षमता देती है कि हम 3-4 घंटे सो के भी काम चला लेते हैं। श्री माता जी का एक वक्तव्य तुम्हें बताता हूं। श्री माता जी का एक वक्तव्य है कि जो लोग 11 बजे से लेकर रात को 4 बजे से ज्यादा सोते हैं, वो जरूर उनके अंदर कोई शैतानी शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। ये श्री माता जी का शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है। उन्होंने लिखा है, इंग्लिश में बोला है, सम सैटनिक फोर्सेस आर एक्टिव इफ यू आर स्लीपिंग मोर देन दे, ये जो टाइम पीरियड है 11 to 4, 11 to 4। और उन्होंने कहा है कि दिन में कोई अगर 1 घंटे से ज्यादा सोता है तो वो भी बाधित इंसान है, बाधित है वो इंसान। और ये बातें आम लोगों के लिए नहीं है, ये साधक साधिकाओं के लिए कही है उन्होंने। नॉर्मल पर्सन की बात नहीं कर रही थी श्री माता जी, सहजियों से बात कर रही हैं। दिन में आधा 1 घंटे से ज्यादा सोना बाधा है, और रात्रि का उन्होंने बता ही दिया 11 से 4, इससे ज्यादा कोई सोता है तो समथिंग इज रॉन्ग। दिन में मैं नहीं सोती और मैं अपनी बता रहा सुबह में हूं, मैं सोने अपनी की बता रहा कोशिश हूं, मैं 4 बजे नहीं उठता हूं, निश्चित रूप से मैं 4 बजे नहीं उठता। 4:30 बजे भी उठ सकता हूं, 5 बजे भी उठ सकता हूं, 5:30 बजे भी उठ सकता हूं, लेकिन सोना मेरा बहुत कम हुआ है। मैं मजबूरी में ऐसा है कि नहीं सो पाता, मजबूरी है। इसलिए नहीं कि मैं जानबूझ के ये वाली चीजों को ध्यान में रखते हुए सोता कम हूं, मेरी मजबूरी है कि सो नहीं पाता, लेकिन शरीर फिर भी चल रहा है ना। आप लोगों के साथ यहाँ सेशंस में अभी भी हूं। 6 दिन में 16-17 घंटे की नींद ली है केवल। तो ये सारी बातें बताने का ये नहीं है कि मैं आपको अपनी महानता या अपने बड़प्पन बताऊं, नहीं। इन सब चीजों के तथ्य एग्जाम्पल देने के पीछे केवल एक चीज है कि जिस चीज की हमारे जीवन में प्रायोरिटी होती है, हमारे लिए बाकी चीजों का महत्व नहीं रह जाता। और आपका शरीर भी साथ देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता, क्योंकि शरीर की मालिक है हमारी आत्मा। अवर स्पिरिट इज द ओनर ऑफ दिस बॉडी। ये अधिकार परमात्मा ने आत्मा को दिया है, हे आत्मा ले, तेरे को एक शरीर प्रदान किया मैंने, तू इस शरीर को चला ले। और जब हम आत्मा से जुड़े होते हैं तो आत्मा की ऊर्जा जो है हमारे शरीर को जितना चाहे जैसे चाहे चला सकती है। अब बताओ नींद क्यों आती है तुम्हें, खुद ही बता दो। मेरे अंदर शैतानी शक्तियां हैं नहीं, खुद ही बताओ। मतलब मैं यहां पे मैं नींद की बात कर रहा हूं, यहां ध्यान के टाइम पे नींद की बात कर रहा हूं। जैसे जूम सेशंस में तुमने कहा बातचीत होते हुए नींद आने लगती है, अब खुद ही बताओ अपने मुंह से। बहुत सारे तथ्य मैंने तुम्हें बताए। मतलब मुझे ऐसा लगता हो, ऐसा लगता है कि ध्यान इम्पोर्टेंट है और मैं इसे महत्व नहीं देती हूँ, इसलिए शायद एग्जैक्टली, मुझे नींद आती एब्सोल्यूटली है। करेक्ट, ऐसा नहीं, एकदम परफेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सही है, मैं अगली बार से ध्यान दूंगी एक और हमारे इसे बीच में, सीखूंगी। एक हमारे बीच में बड़ा अच्छा बच्चा है ध्यान का, वो बाहर रहता है विदेश में, उसको 2:30 बजे उठना पड़ता है मिडनाइट में ध्यान के अटेंड करने के लिए, और आज भी मौजूद है इस सेशन में। सोने के बाद 2:30 बजे उठकर अटेंड करना 3-4 घंटे, फिर अगले दिन काम पे भी जाना, फिर जॉब पे भी जाना, 4 4 घंटे यहां बिताए, रात को 2:30 बजे उठे, 4 घंटे ये बताए, उसके बाद काम पे भी गए। व्हाट डू यू से? जरूरत है मुझे सीखने की। सो ऑल सच थिंग्स आर लेम एक्सक्यूजेस।
आई एम सॉरी टू से, इफ वी आर सो मच अलर्ट अबाउट मेडिटेशन, अबाउट श्री माता जी, अबाउट अवर ओन ग्रोथ, सो इन दिस व्यू पॉइंट ऑल आर लेम एक्सक्यूजेस. आई एम सॉरी टू से बट इट इज ट्रू. हमारे लिए एक सप्ताह में एक ही दिन है खाली, 6 दिन हमारे अपने हैं. इसका मतलब हमारी प्रायोरिटी कहाँ है? संसार की आराम तलबी में वो हमारी प्रायोरिटी टॉप पे है. मेडिटेशन टेक इट ग्रांटेड है. ऐसा हमारे ढेर सारे सहजी जीते हैं ऐसी लाइफ. लगभग 99% सहजी ऐसे ही लाइफ जीते हैं. क्या कहते हो? मेरा उद्देश्य है तुम्हें हतोत्साहित करना नहीं, सत्य बताना है. बट ऐसा नहीं है भैया कि मैं करती, मैं कभी कभी सुनती रहती भी हूँ लेकिन सामने नहीं आती हूँ, लेकिन मैं सुनती हूँ पूरा एंडिंग तक सुनती हूँ. ना 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 ना, मैटर वो नहीं है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा. मैं तुम्हारी बात का जवाब दिया है कि ध्यान तो मैं अटेंड करती हूँ पर कन्वर्सेशन में सो जाती हूँ, उसकी बात का जवाब दिया है सारा मैंने ये. हाँ, वो सम टाइम वाली बात भी है. यस, टुडे यू आर स्टिल हियर इन कन्वर्सेशन, आई एम सीइंग यू. जस्ट स्क्रॉल स्क्रॉल योर हार्ट, स्क्रॉल योर माइंड, स्क्रॉल योर सिस्टम, तुम्हें तथ्य पता लग जाएगा, सत्य पता लग जाएगा. चिंतन करके देखो. बिल्कुल. और हमारे लाइफ में मतलब ये इम्पोर्टेंट है. आई एग्री, आपने जितनी भी बातें कही से मैं सहमत हूँ और नेक्स्ट वार से मैं केयर करूंगी, ध्यान दूंगी. बट अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे वर्क हो जो हमें थका देती हो तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? ये एक्सक्यूजेज होते हैं, हम थक गए, हमसे ध्यान नहीं हुआ, एक्सक्यूजेज हैं. और ये बातें श्री माता जी भी कह चुकी हैं. शरीर से कहो, ये शब्द है उनके, बोलो अपने शरीर से, तू बहुत आराम में रहने लगा है, चल अब तुझे आराम नहीं देती हूं मैं. ऐसा करके श्री माता जी ने भी हम सबको सलाह दी है. ये मेरी बात नहीं है, श्री माता जी की बात है, ये श्री माता जी की बात है. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बातें तो मामूली इंसान की बातें होती हैं, माँ की बातें हैं ये. उन्होंने कहा तुम्हारा शरीर ज्यादा आराम चाहता है तो उसे डांटो, नहीं करने देना तेरे को आराम, बैठ ध्यान में बैठ चुपचाप. ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं. उन्होंने कहा अच्छा ये शरीर बिस्तर पे सोना चाहता है, जमीन पे सुलाओ इसको, क्यों चाहिए इसको आराम, ऐसे करके बोला है. और ये खाली उन्होंने बोला है ध्यान से संबंधित बातों के लिए, मेडिटेशन से रिलेटेड, कि मेडिटेशन में जो सहजी लापरवाही बरतते हैं, टेक इट ग्रांटेड लेते हैं, उनके कंसर्न में बोला है. आम जीवन वाली बातों के लिए नहीं बोला है. आम जीवन वाली बातों के लिए उन्होंने बहुत कुछ अलग बातें भी बोली हुई हैं. ये केवल साधक साधिकाओं के लिए है जो एक्सक्यूजेस देते हैं, बहाने, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं बहानेबाजी. केवल एक चीज में छूट है, अगर कोई सीरियसली बीमार हो गया हो, बहुत तेज बुखार हो, छूट केवल उसी कंडीशन में है साधक साधिकाओं के लिए. बाकी लोगों को तो अपने आप को ट्रेन करना टाइम नहीं है ना. जिस चीजों के लिए समय गंवाया और मुसीबतें इतनी बड़ी आ गई कि आप उसे टैकल ही नहीं कर सकते और आपकी चेतना भी उन्नत नहीं हो पाई, जागृति पूरी तरह आ नहीं पाई और जाने का समय आ गया, कितनी बड़ी समस्या है. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने 2 दिन बाद यात्रा पे जाना था और आपने सामान ही नहीं लगाया अपना,
तो बिल्कुल वैसे ही हो गया ना। एक मिनट होल्ड करना, जरा बैटरी चेंज कर लूं। जसलीन वर्कआउट ज्यादा करा देती है, पर वर्कआउट किस लिए कर रहे हो? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और इस कॉस्ट पे, और वर्कआउट हम इस कॉस्ट पे अगर कर रहे हैं कि ध्यान में कंप्रोमाइज करने पड़ेगा, तो बहुत कॉस्टली, फिर तो ये बहुत कीमती हो गया। नो, ये थॉट्स नहीं रखती हूँ एक्चुअली। वो मैं ना ऐसे नींद नहीं आती थी मुझे, बट थोड़ी सी उस समय बीमार पड़ी थी ना, बट उस पर ज्यादा ही नींद आती है। मैंने बताया था ना कि ज्यादा नींद आती है, बट नहीं ये सारी मेरी बहानेबाजी है। आई एग्री, एक साल से मैं हमेशा हमेशा जसलीन कुछ बोल लिया आई। लेकिन बीमारी, नेक्स्ट बार से मैं देखो किसी की तबीयत बहुत खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी सारी चीजें एक्सक्यूजेज हैं, उनका कोई मतलब लेना देना नहीं। अब कोई कहे जी हमारे घर में तो मेहमान आते रहते हैं, मान लो किसी घर में मेहमान बहुत आते हैं, तो उसमें आपको उनको ट्रेंड करना है कि भाई ये 4 घंटे के लिए आप थोड़ा सा मेहरबानी रखें, 4 घंटे में अटेंड नहीं कर पाऊंगी आपको, रात को 9:30 से लेके 1:30-2 बजे तक जो भी चलता है बाकी अटेंड करूंगी, तो ये एडजस्टमेंट है, मैनेजमेंट है। ये भी आपकी प्रायोरिटी अगर है तो ये मैनेजमेंट भी हो जाता है, दूसरा ये भी मैनेजमेंट हो जाता है। अच्छा सैटरडे मत आओ, संडे में आ जाना। मेहमानों से ये कहा जा सकता है सैटरडे नहीं है हम उपलब्ध होंगे, संडे में होंगे, तो दिस इज ऑल मैनेजमेंट, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम की कैटेगरी में नहीं आती चीजें। हाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे अचानक घर में किसी की शादी पड़ गई, शादी, अब शादी में घर में जाना ही पड़ेगा मजबूरी में, नजदीकी रिलेशन है, या किसी की मृत्यु हो गई है, या कोई अचानक हॉस्पिटलाइज हो गया आपको अटेंड करना है उसे, सो देट इज ए इमरजेंसी, मजबूरी, अदरवाइज कोई मजबूरी नहीं है। आपकी यात्रा अवश्य भावी है और इस यात्रा की आपको तैयारी करनी है, और तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा दिन नहीं है, तो समस्या तो आप ही के साथ होने वाली है ना, यानी कि मानव के साथ, नॉट ओनली यू, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, जो भी इस प्रकार के एक्सक्यूजेस रखते हैं अपनी लाइफ में, ये खाली तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, दिस इज ऑल्सो फॉर मी। अगर मैं इस चीज के एक्सक्यूजेस दूं कि नहीं आज नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जूम सेशन जब से शुरू हुआ है बहुत ही इमरजेंसी में सेशन नहीं हो पाया, और ज्यादातर डेथ वाला मामला आया है, जब भी आया है किसी की डेथ हो गई है इमरजेंसी में, वरना आम कंडीशन में, या मेरे को बाहर हूं और मैं आ नहीं पाऊंगा, पहुंच नहीं पाऊंगा किसी कारण से, अदरवाइज अभी तक तो नहीं हुआ, वो भी अप्रैल से अब तक शायद 3-4 बार हुआ हो, हार्डली 3 बार या 4 बार हार्डली। तो ये चीजें जो है ना आयशा, खाली तुम्हारी बात नहीं है, ये चीजें हमको समझनी चाहिए कि आखिर हम श्री माता जी के चरणों में आए किस लिए हैं, पहले ये समझना होगा, और उसके बाद अपने आप इस चीज का चिंतन करना होगा कि हमें करना क्या है आगे जीवन में। अब ये पारिवारिक चीजें, ये चीजें, वो चीजें, वो सारे महत्वहीन चीजें हैं, ये इनका कोई महत्व नहीं है। परिवार कैसे बना, अलग अलग स्थानों से सोल जन्म लेके एक परिवार में आई, मृत्यु होने पे फिर अलग अलग जगह चली जाएगी, बस इतने से ही समय के लिए परिवार है, परिवार भी तो इतने से ही समय के लिए है खाली, बस फिर सोल ने अलग अलग जगह चले जाना है, शरीर छोड़ेगी सोल, फिर पता नहीं किसी और जगह चली जाएगी, फिर दोबारा इस परिवार में थोड़ी आने वाली है, और ये सारे परिवार की सोल दोबारा थोड़ी इकट्ठी होने वाली है सोल, ये भी समझना होगा। इट्स अ वेरी टेम्परेरी एडजस्टमेंट,
और अरेंजमेंट, वेरी टेम्परेरी अरेंजमेंट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि हम किसी ट्रेन की जर्नी में जाते हैं, मान लीजिए हम 2 दिन की यात्रा पे गए हैं, ट्रेन 2 दिन तक चलेगी, उस बीच में कुछ सहयात्री मिलते हैं हमें और उनका हमें पता होता है, आस पड़ोस में पता लग जाता है, अच्छा ये यहाँ उतरेगा, यहाँ उतरेगा, यहाँ उतरेगा, यानी कि 8-8, 6-6 घंटे बाद, 10-10 घंटे बाद, 15 घंटे बाद कोई ना कोई उतर जाएगा, उनका तो हमें पता है, पर ये जो परिवार के रूप में यात्री मिले हैं इनका तो पता ही नहीं कब उतर जाए। ट्रेन के सहयात्रियों का पता होता है पर इनके इस यात्रियों का पता नहीं है कब उतर के चलने और कहां चले जाए ये भी नहीं मालूम। तो इतनी अनसर्टेनिटी के लिए, इतनी अनसर्टेन लाइफ है जो, उसके लिए हम इतनी बेशकीमती चीज को दरकिनार कर दें या उसकी हम इंपॉर्टेंस ना रखें, तो हमारे से ज्यादा हानिकारक चीज तो कोई और कर ही नहीं रहा, हमारे खुद के लिए हम ही अपने लिए हानि पहुंचा रहे हैं और कोई नहीं पहुंचा रहा। आम लोगों को तो पता ही कुछ नहीं, वो तो अपने एक नशे में जी रहे हैं, जैसे वो होता है ना अफीमची, देखिए अफीम खाने वाले लोग, हीरोइन, अफीम, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर लेने वाले लोग, ड्रग्स लेने वाले लोग मालूम है कैसे होते हैं, सुबह उठते हैं नशा चढ़ा लेते हैं, दोपहर में होश आता है फिर नशा चढ़ा लेते हैं, रात को फिर नशा चढ़ा लेते हैं, वो नशे में ही रहते हैं 24 घंटे, और उनकी अपनी दुनिया है, एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। तो आम संसार के लोग, आई एम सॉरी टू से, आम संसारी लोग अफीम चीज ऐसे हैं, ये नशे में ही रहते हैं, नशे में ही मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जिनको श्री माता जी अपने चरणों में लाई हैं, उन्हें तो जगा दिया है। अब जागे हुए लोग अगर अफीम ची जैसा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? हमारा तो कुछ बिगड़ना नहीं, हमें तो बताना है। हमारे बीच में कई ऐसे सहजी हैं जिन्होंने बड़ा अफसोस मनाया कि हाय हमने मिस क्यों करी ये सारी चीजें, बहुत अफसोस मनाया। इविल हंटर्स का ये शुरू हुए काफी टाइम हो गया, कुछ लोग शुरू होने के बावजूद भी मेडिटेशन से नहीं जुड़े, कई कुछ समय बाद होश आया कि हमने बहुत कुछ नुकसान कर लिया अपना, बड़ा पछतावा हुआ कि जानबूझ के नुकसान किया हमने, है ना? आपका एक बिजनेस है मान लो, और बिजनेस में आपके कोई कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स कह रहे हैं कि हमें आपसे बिजनेस करना है, हमें आपसे मटेरियल चाहिए, और 10 लाख रुपए महीने का बिजनेस है, तो आपको पता है 10 लाख रुपए महीने के बिजनेस में मरे से मरे 1.5-2 लाख रुपए तो कमा ही लेंगे, आपको अंदाजा है, लेकिन आप उससे मिलना ही नहीं चाह रहे, टाइम ही नहीं है आपके पास मिलने का उनसे, और आप सोच रहे हो अच्छा कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, परले दिन मिल लेंगे। अब उसे मटेरियल टाइम पे चाहिए, उसने सोचा है यार ये कस्टमर जो, ये जो सप्लायर है ये तो मिल ही नहीं रहा 3 दिन से, तो फिर वो क्या करेगा, कोई दूसरा सप्लायर छांट लेगा, है तो क्या होगा, फिर हमारे 10 लाख रुपए महीने के बिजनेस का लॉस हो जाएगा और हमारी 1.5-2 लाख की अर्निंग खत्म हो जाएगी। फिर हम कहेंगे नहीं नहीं वो हमारी किस्मत में नहीं था और हमें मिलना नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, एक और लेम एक्सक्यूज हम देंगे, है ऐसा? अगर वो किस्मत में ना होता हमारी तो हमें फोन ही क्यों करता, हमारी किस्मत ने उसे हमें मिलने भेजा पर हमने अपनी किस्मत को ठुकरा दिया। ऐसा भी हम बहुत बार कर लेते हैं।
फिर कहते हैं हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं है, हमें तो इस जीवन में केवल इतना ही मिलना था। तो इट इज ऑल इन एक्सक्यूजेस एंड दिस इज अवर लॉस। ऐसे हम अपने आप को झूठे झूठी बातों में उलझा कर अपना नुकसान करते रहते हैं। बहुत सारे हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम ऐसा करते रहते आते हैं। तुम्हारे जरिए ये सारी बातें मैं उन सारे सहजियों तक पहुंचा रहा हूं जो YouTube पर ये सब देखकर सुन रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। तो आप सब YouTube में देखने वालों से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आज तक आप सब ये करते आ रहे हैं, कृपया तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको इतना लॉस होगा कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। समय रुकता नहीं है, समय रुकता नहीं है, लेकिन समय की एक खूबी है, ये जो समय है ना, हमारे लिए अनेकों गिफ्ट लेके आता है, और जो जागे होते हैं उन्हें ही ये गिफ्ट मिल पाते हैं। ये पॉइंट की बात है। तो बस ये तथ्य समझना होगा, आज बैटरी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, बार बार आज स्पेशल क्या हो गया इनमें जो बंद होए जा रही है, चार पांच बैटरी चार्ज भी नहीं है। और चलो जितनी चार्ज हुई है उसको लगा लेता हूं दोबारा। तो आयशा रानी, कुछ समझ में आई बातें? माता जी बड़े प्यार से कहती हैं, अरे बेटा मेरी सारी शक्तियां आपके लिए हैं, आप मेरे से सारी शक्तियां ले लो, पर आपको शक्तियां लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। एक मिनट रुकना आयशा। हाँ बोलिए आयशा। अब ये देखिए बैटरी लगता है कि पता नहीं कितनी देर चलेगी, बड़ी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है आज ये। अब देखो इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं तुम्हें, इंटरेस्टिंग बात। श्री माता जी इन बैटरीज के जरिए हमें कुछ समझाना चाहती हैं, समझ लो इस बात को। ये फटाफट डिस्चार्ज हो रही है यानी कि उपलब्ध नहीं है बैटरी, यानी कि ये बताना चाहती हैं हम जो सोचे बैठे हैं कि हम कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, तो हो सकता है कल और परसों इन बैटरी की तरह मौका ही ना मिले। हाँ अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था बैटरी इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगी, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, लेकिन हो रही है। तो ये हमें क्या शिक्षा दे रही है? ये हमें ही शिक्षा दे, मतलब मैं आई हूँ ना तो मुझे सिखाने के लिए आज आपकी बैटरी कुछ ज्यादा ही डाउन हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, ताकि सब लोग समय समय की समझने कीमत का बता रही समय हैं। दीज बैटरीज आर समय टेलिंग का द समझ इम्पोर्टेंस लीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, कि वी शुड यूटिलाइज अवर टाइम 100%, ये बताना चाहती हैं डिस्चार्ज होने वाली बैटरी बार बार, है ना ऐसा? चलो कोई बात नहीं, डोंट फील बैड। इन शिमाता जी ने तुमको आगे करके बहुत सारे लोगों के लिए ये बातें करवाई हैं, माध्यम तुम्हें बनाया है इन सारी बातों का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें रही हैं और आप देखना कि इन बातों का प्रभाव बहुत सारे लोगों पे बहुत सकारात्मक पड़ने वाला है। विशेष तौर से ध्यान से जुड़े लोग ध्यान को, श्री माता जी को और समय को टेक इट ग्रांटेड ना लें, बहुत हानिकारक है। मैंने ये वॉच किया है ना कि जब हम इस चीज पे फोकस
करना छोड़ देते हैं ना, तो श्री माता जी भी हम पे ध्यान देना छोड़ देती है। परफेक्ट, मतलब कि एकदम परफेक्ट। वो हमें बार बार इंडिकेट, पहले हमें बचाती है, इंडिकेट करती है कि बेटा ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। और जब हम उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने काम में मग्न होते हैं ना, तो फिर हमें इंडिकेट करना तो बंद कर ही देती है साथ ही साथ, मतलब कि वो फिर वो हम पे ध्यान ही देती है। फिर ऐसा लगता है कि कुछ बिछड़ने टाइप की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कुछ, मतलब कि एक किसी का हाथ, किसी की एनर्जी जो हमारे पति की ना, वो कमी कमी से फील होती है। और फिर हमें ख्याल आता है तो फिर हम उनके पास, माँ तुम कहाँ हो, बस ऐसी फीलिंग आती है। बिल्कुल सही बात है, उसका कारण है। देखो, इसका मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दूंगा, बहुत सिंपल। जैसे कि घरों के ऊपर रखी हुई टंकी, पानी की टंकी होती है, लबालब भरी हुई है, ठीक है। उस टंकी से जितने भी पाइप लगेंगे, मान लीजिए एक टंकी में 10 पाइप लग गए, टंकी तो अपने आप भरती रहती है, तो दसों के दसों पाइपों में पानी जाएगा। तो क्या करना होगा, टंकी तो अपनी जगह है पानी से भरी हुई, पाइप तो लगाना पड़ेगा ना पानी लेने के लिए। अगर पाइप ना लगाओ तो पानी कैसे आएगा अपने आप से, जस्ट थिंक अबाउट। तो माँ जो है ना, माँ बिल्कुल भरी हुई टंकी जैसे है, हम अपने अपने पाइप जाकर उसमें फिक्स करेंगे, तभी जल आएगा, तभी चैतन्य आएगा। और हमारे पाइप क्या है, चित्त और चेतना, हमारे दो पाइप हैं। जब हम ये उनमें लगाएंगे तभी तो उसमें चैतन्य रूपी जल आएगा। अब हम लगाएंगे ही नहीं तो आएगा कैसे, ये समझाइए। तो मां को समझना हो तो पानी की टंकी को समझ लीजिए। प्रयास, पहला प्रयास हमारा और पहला चरण हमारा होता है कि हमें पाइप लगाने हैं, दूसरा चरण श्री माता जी का है कि हमें जल देना है, राइट। अब टंकी तो अपने आप से पाइप लगाने से रही, पाइप तो हमें ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब वो माँ तो चल के नहीं आएंगी, लेकिन जब हम चल के आएंगे ना माँ के पास, यस, और उस आने के दौरान हमारे जो रास्ते में जितने भी हमें कुछ अनुभूति होगी, वो हमें सिखाएंगी और माँ के और करीब लाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि ऐसी माँ, जब हम उस रास्ते से होकर गुजरते हैं और अपने अपने पाइप लेकर ना, तो हमें कई चीजें अनुभूति होती है। उस जैसे हम ध्यान की यात्रा करते हैं ना, तो कई चीजों की अनुभूति होती है, हम सीखते हैं और अपने अंतर मन की, अपनी चेतना की, अपने रोम रोम की बातों को समझते हैं। और जब माँ में फिट होती है, मतलब उस टंकी में, माँ रूपी टंकी में बैम फिट होती है, तो फिर एनर्जी का हमें ध्यान होता है, मतलब एनर्जी सही मायने में हमें समझ आती है कि हाँ ये एनर्जी है माँ की। अच्छा चलो ये बताओ, टंकी तो माँ हो गई, तो पाइप क्या है, पाइप क्या है, पाइप हमारी, वो हमारी चित है। नो, पाइप है कुंडलनी, पाइप है, और चित्त और चेतना है एक तरीके से हमारा, एक जैसे कहते हैं ना इंटेंशन, इंटेंशन इच्छा कि हमें टंकी से पानी लेना है, पाइप लगाना है टंकी में, ये इंटेंशन है, उसे हम अटेंशन कह सकते हैं। इंटेंशन, इंटेंशन, कुंडलनी और माँ, ये चीज हमारे वो है, क्या कहना है, तीन चीजें चाहिए, इंटेंशन हमारी, पाइप कुंडली, और तीसरा टंकी से जल का आना वहां से, तीन अवस्थाएं। तो पहला प्रयास हमारा है कि हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि हमें पाइप लगाना है, तो पाइप मिल जाएगा हमें, पाइप हमें उपलब्ध करा दिया कुंडली रूप में, हमें फिक्स तो करना पड़ेगा। अब फिक्स कैसे करना है, यहां आती है बात सहस्त्रार की, यानी कि यहां पर हमें अपने अटेंशन को रखना पड़ेगा।
तो ये चार चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटेंशन में टाइम, टाइम मैनेजमेंट इंटेंशन के अंदर आ जाता है। अब इंटेंशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, इच्छा कह ले सकते हैं, इच्छा, इच्छा, नियत, हाँ नियत, 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 यस यू आर राइट। तुम्हारी जसलीन हिंदी अच्छी हो गई, अब मेरी इंग्लिश तो खराब थी ही, लेकिन तुम्हारी हिंदी अच्छी हो गई। क्रेडिट गोज टू यू। हाउ कैन आई, आपने एक एक वर्ड का वोकैबुलरी इंग्लिश में बताया मुझे। नहीं मैंने थोड़ी बताया, तो तुमने बताया। इंटेंशन का मतलब नियत होती है। नहीं तो आप इतनी टफ हिंदी यूज करते थे, तो आप उसका इंग्लिश भी बराबर मुझे बता देते। तो चलो कोई बात नहीं। तो आयशा बात पल्ले पड़ी, चलो आशा है आगे, आगे इस बात का तुम्हें समझ में आएगा जरूर, क्योंकि अभी तक भी तुमने जो जाना है, मेरे ख्याल से तुम ही मेरे को बहुत सारी बात बता चुकी हो पहले, कि पहले हम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था। तो मेरा कहना यह है कि जब से समझ में आना शुरू हुआ है, तो समय क्यों बर्बाद करना। अब ये बताओ, अभी अभी ये कन्वर्सेशन चल रही है तुम्हारी, अब तुम्हें नींद आ रही है? बिल्कुल नहीं, मेरी आंखों में दिख रही है। अच्छा, अब क्यों नहीं नींद आ रही बताओ, नींद क्यों नहीं आ रही है, कन्वर्सेशन तो अब भी चल रही है। क्योंकि उस समय मैं जुड़ी नहीं थी, अब जुड़ चुकी हूँ, इसलिए नींद हमारी जा चुकी है। और उस समय मैं जुड़ी नहीं थी, बस ध्यान कर लिया और बस नींद को मैं बहुत दे थी इसलिए। और यहाँ नींद है ही नहीं है मेरी आंखों में, अभी मैं जग सकती हूँ एक घंटा। और इसमें भी एक पहलू छुपा हुआ है, इसमें एक और पहलू छुपा हुआ है कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि तुम कन्वर्सेशन में शामिल हो, यू आर इन्वॉल्व इन दिस कन्वर्सेशन, दैट्स व्हाई यू आर नॉट फीलिंग स्लीपी। पॉइंट की बात, जो भी सहजी कन्वर्सेशन में जुड़ेंगे उनको नींद कहाँ से आएगी भला। तुमने अक्सर देखा है गाड़ी में बैठ के गई होगी, कई बार गाड़ी में फोर व्हीलर्स में यात्रा की होगी, तुमने देखा होगा जो ड्राइव करता है उसे नींद नहीं आती, पास में बैठा हुआ सो जाता है इंसान, पास में जो बैठा होता है वो सो जाता है अक्सर, बराबर में बैठा हुआ नींद आ जाएगी उसे, और जो लेकिन ड्राइव कर रहा है उसे नींद नहीं आती, क्योंकि वो इन्वॉल्व है ड्राइविंग में, ड्राइविंग में इन्वॉल्व है वो, और रेस्पॉन्सिबल भी है कि जितने लोग गाड़ी में बैठे हैं उन्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा दूं, इसीलिए उसे नींद नहीं आती है। इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना? मैं तो बता रहा हूं, पहलू बता रहा हूं, वो आप लोगों ने डिसाइड करना है, मैं नहीं कह सकता ये बात, मेरा काम ये कहने का नहीं, मेरा काम तथ्य बताना है, फैक्ट्स। मिथ्या को दूर करने के लिए तथ्य जरूरी है, पक्की बात है। तो जानने के बाद में यदि हम अपने आप को कार्यान्वित नहीं करते तो भी कोई फायदा नहीं, हम जान तो गए पर कार्यान्वयन नहीं है, कार्यान्वयन है तो उसके अंदर हृदय नहीं है, हृदय है तो हमारे को तरीका नहीं आता, और तरीका आता है तो क्या चीज मिसिंग है, टाइम मैनेजमेंट मिसिंग है। तो कोई ना कोई चीज अटकी हुई रहती है हमारी।
और यदि हम इस चीज को समझ जाएं कि हम सबके पास समय की बहुत शॉर्टेज है, तो शायद हम अपने जीवन में इस कार्य को सबसे ऊपर रखेंगे, बाकी सारी चीज सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे आ जाएंगी। तो ये था निचोड़ सारे लेम एक्सक्यूजेस का। जितनी भी सहजियों की भानेबाजी होती है, उनका निचोड़ ये था। और अपने अंदर सभी झांकेंगे, सभी चिंतन करें, कभी आज नहीं कल ध्यान में बैठ के, कि हम कितनी भानेबाजी करते हैं अपने उत्थान के लिए। तो यकीनन बड़ी समझ में आएगी और तीव्र इच्छा जागेगी, नहीं 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 हमें कोई भानेबाजी नहीं करनी चाहिए। हम डेंजर जोन में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन डेंजर जोन। और पता है क्या कि जब जब आप ध्यान के दौरान आप बताते हैं कि आत्मा से जब वार्तालाप होती है ना, कन्वर्सेशन, तो बहुत सारी चीजें वार्तालाप के दौरान हमें आत्मा ही जवाब देती है कि क्या ये मैंने किया, क्या ये सत्य है। फिर हमें हमारे अंदर त्रुटियां जो होती है ना, वो खुद ही बता देती है कि नहीं, ये तो तू नहीं करती, ये तो ऐसा तेरे साथ होता है। कि अगर जो चीज हम करते हैं या उस चीज को पूरी तरह से हम फील करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये तो सही है, मेरे साथ ऐसा होता है। बट जो चीज हमें हमारे साथ नहीं होता और जो चीज हम नहीं कर पाते हैं ना, तो वो भी बताती है कि नहीं, ये गलती है। जो हम एक-एक कर प्रश्न करते हैं ना अपनी आत्मा से, क्या मैं ये हूँ, क्या मैं ये हूँ, क्या मैं ये करता हूँ, क्या अपने आसपास लोगों से अटैच हूँ, बहुत सारी ऐसी प्रश्न होती है ना, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे चूक रहे हैं, कहाँ पे हमें अपने आप को ध्यान करने की जरूरत है। तो वो सब क्लियरली पता चलता है वार्तालाप के दौरान। यस, डेफिनेटली। जितने सारे तथ्य बाहर निकल के आते हैं बातचीत करके, ध्यान और बातचीत, ध्यान और बातचीत, ध्यान और बातचीत, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पढ़ाई करी, एक किताब पढ़ी इंग्लिश की, अच्छे से हमने किताब पढ़ ली, और फिर दूसरा कार्य होता है कि अब सेंटेंस बनाओ, एस्से लिखो, तब पता लगता है हमने पढ़ा क्या था अंग्रेजी में। अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि ऐसे लिखना और पढ़ाई करना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छे से पढ़ाई की है तो ऐसे लिखने से पता लग जाएगा, और जब ऐसे लिखेंगे तो पढ़ाई के और बहुत सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे, बहुत सारे और चीजें हमारे सामने आएंगी। सो बोथ आर कॉम्पेटेबल विद ईच अदर्स। तो इसी प्रकार से ध्यान और ध्यान की बाद की बातचीत अनुभवों पे एक दूसरे को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। और आप सबकी इस बातचीत से उन सारे लोगों को बहुत लाभ होता है जो ये वीडियो देखते हैं YouTube पर। तुमको पता है कि इसमें शामिल होने वाले ज्यादातर लोग ध्यान का जो समय होता है उसको ज्यादा महत्व देते हैं, बातचीत को कम देते हैं बहुत से लोग। लेकिन तुमको पता है वीडियो देखने वाले लोग ध्यान से ज्यादा बातचीत को महत्व देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, वो इंतजार करते हैं कि अगली बार ध्यान के बाद बातचीत क्या होने वाली है। दे यूज टू वेट। वो मेडिटेशन को कम, बातचीत को ज्यादा महत्व देते हैं, और शामिल होने वाले ध्यान को ज्यादा, बातचीत को कम महत्व देते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। हल मिलता है ना जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, जो नहीं जानते, ध्यान में सम्मिलित नहीं होते, तो यस, उनकी बहुत सारी समस्याओं का हल मिलता है कन्वर्सेशन के दौरान, है ना। बिल्कुल। हमारी एक सहजी बहन ने YouTube पे नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखा कि भैया हमको ऐसा लगता है
ये जो आपका ध्यान के सेशन चलते हैं उसमें जो सेलेक्टेड लोग ही शामिल होते हैं, सारे लोग शामिल नहीं होते, उसने लिखा है यूट्यूब पे, इससे पहले वाले ध्यान पे है शायद। तो मुझको ऐसा आभास होता है भैया हम गलत तो नहीं है ना। मैंने उसको लिखा ये बिल्कुल सत्य है कि इस ध्यान के सेशन में सारे लोग शामिल नहीं होते हैं, कुछ विशेष लोग ही हैं जो सेलेक्टेड हैं, क्योंकि ये जो सेलेक्टेड लोग हैं ये बहुत लंबे काल से लगातार जुड़े हुए हैं, इसी कारण से ये इस सेशन में शामिल हैं। नए लोग सेशन नहीं में नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो इस चीज के, इस पैटर्न के ध्यान में जुड़ने के आदि नहीं होते, पहले आदि होना होगा। एक ने लिखा, दूसरा कमेंट किसी ने लिखा हाउ टू ज्वाइन दिस, तो मैंने उसमें लिखा जस्ट गो थ्रू ऑल द 112 सेशंस ऑफ फ्रॉम थर्ड वर्कशॉप टू 8 वर्कशॉप फर्स्ट, देन वी विल कंसीडर टू ऐड इन दिस एड यू इन दिस सेशन। सो जस्ट थिंक अबाउट कि कितने लोग इस सेशन में जुड़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें इसमें मौका नहीं दिया जाता। जस्ट थिंक अबाउट हाउ लकी यू पीपल आर। सैकड़ों लोगों को मैंने मना किया है डायरेक्ट जोड़ने से, सैकड़ों लोगों को, और उनको कहा पहले वो सारे सेशन करके आओ, बेसिक्स क्लियर होंगे तब जाके इसमें ऐड करने का मौका मिलेगा। तो इस जूम सेशंस की इम्पोर्टेंस इसी बात से समझ में आनी चाहिए कि इसमें सारे लोग शामिल नहीं हैं। एक ये भी तथ्य की बात बता रहा हूं। श्री माता जी ने क्या व्यवस्था की हुई है, जरा कल्पना करो कि श्री माता जी ने किस चीज के लिए व्यवस्था की है। अब चाहता तो मैं समझ लो जितने लोगों ने कहा सबको जोड़ लेता, सबको जोड़ लेता, इसमें होते ढेर सारे लोग, हो सकता है 500 लोग भी हो जाते, पर उससे होता क्या, पर क्या होता उससे, उससे क्या होता, खिचड़ी पक जाती, कोई तो बंधन लगाने वाले सहजी, कोई कर्मकांड